अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू साजिया किचन ब्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही यमी डिश, कस्टर्ड टोस्ट की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा यमी है, खाते ही मुँह में घुल जाए। जो हम सुबह के नाश्ते में चाय के साथ टोस्ट खाते हैं, मैंने वही टोस्ट से ये कस्टर्ड टोस्ट बनाया है। इसे आप सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यमी है। अगर आपको भी कस्टर्ड टोस्ट बनाना है तो मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखना। कस्टर्ड टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, कद्दूकस किया हुआ नारियल, चिरौंजी, कुछ गुलाब की पत्तियाँ और ये ब्लैक और ब्राउन कलर की किशमिश। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट अलग से लिया है ऊपर से डालने के लिए। दूध लिया है मैंने और ये हमने इसी चम्मच से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर मैंने बटर स्कॉच का लिया है, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है ये ड्राई वाला टोस्ट, इसी से हम कस्टर्ड टोस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम दूध को चढ़ा देंगे गैस पे उबलने के लिए, और दूध अच्छे से उबलने लगा है, इसे हम चम्मच से चलाते रहेंगे दूध बहना जाए। कस्टर्ड टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हम अच्छे से पका लेंगे। दूध को जितना अच्छा पकाएंगे कस्टर्ड टोस्ट उतना ही टेस्टी बनेगा। ध्यान रखिए, दूध के साथ में हम जो ड्राई फ्रूट डालेंगे उसके साथ में हमें किशमिश नहीं डालना है, नहीं तो दूध फट सकता है, इसीलिए हम किशमिश को बाद में डालेंगे। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट रखा है वही सब ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। जैसे कि मैंने दूध में ये ड्राई फ्रूट को डाल के अच्छे से चला रहे हैं, दूध के साथ में ड्राई फ्रूट को पकाएंगे तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना डालें। अब इसे हम अच्छे से चला के मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। दूध के हिसाब से मैं यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। चम्मच से चलाते रहेंगे, सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पकाना है। और ये हमने कस्टर्ड पाउडर जो लिया था उसमें दूध डाल के इसे घोल के रख दिया था, वही बटर स्कॉच का कस्टर्ड डाल देंगे हम इसमें और अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक ये दूध एकदम से गाढ़ा ना हो जाए, हमें इसे पकाते रहना है। टोस्ट कस्टर्ड एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। आपके घर में बड़े बच्चे सब इसे बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यमी बनता है। अगर आपको भी कस्टर्ड टोस्ट बनाना है तो इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें, जो बहुत ही यमी बनेगा। और ये कस्टर्ड वाला दूध अच्छे से उबल के पक गया है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, गैस को हम बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कस्टर्ड वाला दूध अच्छे से ठंडा हो गया है तो चलिए कस्टर्ड टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। एक टोस्ट को लेंगे, दूध में इसे डीप करेंगे, 1 चम्मच से बाहर निकालेंगे और ये बॉक्स में डाल देंगे। ऐसे ही करके हमें टोस्ट की एक लेयर बना के बॉक्स में डाल देंगे। कस्टर्ड टोस्ट बनाने के लिए जो मैंने दूध लिया है वो बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसे हल्का सा गुनगुना किया है बस, मैंने इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। सब टोस्ट को मैंने डीप करके बॉक्स में एक लेयर बना दी है। अब जो ये कस्टर्ड वाला दूध है इसी को हम चम्मच से ऊपर से डालेंगे। कस्टर्ड टोस्ट एक ऐसी डिश है जो बहुत ही ज़्यादा यमी है। आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप इसे झटपट बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बनके रेडी हो जाता है। और जो हमने किशमिश को अलग से निकाल के रखा था वही किशमिश और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा करके ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को डाल के अब हम फिर से टोस्ट को दूध में डीप करके टोस्ट की एक लेयर लगाएंगे। जैसे मैंने इसके पहले बनाया था वैसे ही करके हमें टोस्ट की एक लेयर और बना लेना है। जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा है कि मैंने टोस्ट की एक लेयर लगाई, ऊपर से कस्टर्ड वाला दूध डाला, ऐसे ही करके हमें जितना बाकी का टोस्ट बचा है दूध में डीप करके एक एक लेयर लगा के और ऊपर से कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे। ऐसे ही करके हम इसे पूरा बना के रेडी कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी
कि ये हमारा कस्टर्ड टोस्ट कैसा बना है। और बहुत ही परफेक्ट तरीके से कस्टर्ड टोस्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट और ये बहुत ही यम्मी बनके कस्टर्ड टोस्ट बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, अब हम इसमें ऊपर से सजाने के लिए इस पे लगा देंगे गुलाब की पत्तियां। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो ना लगाएं। कस्टर्ड टोस्ट बहुत ही प्यारी डिश है जो बहुत ही कम टाइम में बनके रेडी हो जाती है। जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा ही, मैंने इसे झटपट से बना लिया। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा यमी है। और ये देखिए, गुलाब की पत्तियों से सजाने के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। और ये कस्टर्ड टोस्ट तो बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में। ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तब इसका खाने में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये देखिए, हमने इसके ऊपर ढेर सारी गुलाब की पत्तियां डाल दी हैं। तो चलिए, अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमारा ठंडा ठंडा सा कस्टर्ड टोस्ट बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे, एक चम्मच से ऐसे कट लगा लेंगे और इसे हमें चम्मच से निकालना है। और ये हमारा कस्टर्ड टोस्ट बटर स्कॉच का फ्लेवर बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही यमी बना है, बहुत 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 ही यमी है, बहुत ही टेस्टी बना है। खाते ही ये मुंह में घुल जाएगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।